अभी बोल्ट से दोनों तरफ टाइट हो रहा है। अभी एक और चीज आ चुका है, ये रहा एलेंकी सिस्टम और ये रहा इसका ये जो बैलेंसर बोलते हैं। प्राइस की बहुत ही प्रीमियम चीज है। इसमें अभी आज हम लगा के दिखाएंगे एक लेडी फुटरेस्ट। हालांकि इस पर एक मेहनत के बाद इसका निकल चुका है ये प्रॉपर, इसका जो अभी ये इसको बोलते हैं ना ये रैपिंग टोटल निकाल दिया। बात करते हैं इसके मैट की, जो मैट अभी लगाया है इसमें, पहले हमने खोल दिया और 10 नंबर का दो बोल्ट लगाया। आगे का पूरा कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉलमेंट। अब हम चल रहे पीछे की तरफ। हाय एवरीवन, टुडेज न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज ले आए आपके लिए ओला S1X और मॉडल नेम हो गया एक्टिवा से, और साथ साथ दिखाएंगे इसकी प्रीमियम एसेसरीज। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है आपका, और अभी एक शॉप पर आ चुके हैं ओला S1X जो काफ़ी फेमस और काफ़ी पॉपुलर है। अगर एक्टिवा के बेस में जाओगे तो इससे अच्छी गाड़ी अभी ओला बहुत ही पॉपुलर चल रही है। ये S1X मॉडल है, सबसे लोअर वेरिएंट बोल सकते हो या सबसे कम दाम के बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो, बहुत बढ़िया चीज़ है। अभी फिलहाल मैं इसका एक मीटर दिखाता हूँ आपको, जो अभी ये चेंजेस होके आया है इसमें। हालांकि अभी डिस्प्ले वगैरह में कुछ टच वगैरह काम नहीं करने वाला, क्योंकि ये नॉर्मल हो गया, बस आपको डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा। बाकी पार्किंग, बैटरी और जो जो इसमें ट्रिप वगैरह दिखते हैं, किलोमीटर्स दिखते हैं, पार्किंग मोड दिखते हैं, और चेंज करने के लिए आपको यहाँ से बटन दिए गए हैं। बाकी सारा कुछ वैसे ही है, पुराना सा है बटन सिस्टम यहाँ से डाला हुआ, जैसे बाइक और स्कूटी में देखने को मिलता है। और यहाँ आपको एक छोटा सा हुक देखने को मिलता है। सबसे बड़े इसमें चेंजेस जो आया है वो उसका चाबी है, जो अभी तक मैं किसी भी ओला में नहीं आई थी। तो देखिए सबसे पहले इस चाबी को मैं लगा के आपको वापस से दिखाता हूँ। ये रहा इसका चाबी और ये इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। ये नॉर्मल देखो मीटर कितना फास्ट ऑन होता है, जैसे कि नॉर्मल बाइक वगैरह में होता है वैसे सेम। इसमें सेल्फ डाला हुआ है, सेल्फ स्टार्ट करोगे या पार्किंग मोड से हट जाएगी। अभी साइड स्टैंड लगा हुआ है, इसमें साइड स्टैंड दिख रहा है। अभी देखो मैं इसको जैसे ऊपर करूँगा और साइड स्टैंड हटाऊँगा, यहाँ से पार्किंग मोड हट गया। ये काफ़ी बढ़िया, और मतलब मेरे हिसाब से इसका जो मतलब जो भी फिगर दिख रहा है मेरे को ना मीटर का, वो सबसे बेस्ट है। हालांकि इसमें भी टेम्पर नहीं लगा हुआ, तो देखने में मे भी थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिलहाल देखो इससे बात करते हैं इसके मैट की, जो मैट अभी लगाया है इसमें ब्लैक कलर की मैट लगी हुई। मैं वाला हूँ कि इसमें जो लगाने के प्रोसेस है उसमें A to Z धीरे धीरे करके सारा कुछ बताएंगे, तो वीडियो पूरा लंबा होगा। अगर चैनल पर पहली बार आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अच्छे से वीडियोस में लाता रहता हूँ। और यहाँ पर अभी जो छोटे छोटे चीज़ आपको देखने को मिले हैं वो सारा कुछ इसमें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है गाइस, भाई वीडियो करते हैं। छोटू फटाफट इसको इसका रैप को उतारेगा और आपको दिखाएगा इसका गार्ड और इसमें क्या क्या आपको मिलता है वो सारा कुछ दिखाएगा। नट बोल्ट से लेकर A to Z चीज़ दिखाएंगे, इसके जो बैलेंसर वगैरह सारा कुछ दिखाएंगे। फिलहाल अभी देखते हैं। इसके बाद इसका निकल चुका है ये प्रॉपर, इसका जो अभी ये इसको बोलते हैं ना ये रैपिंग टोटल निकाल। अभी एक एक करके इसका रैप भी खोल रहे हैं, तो इसको जब तक खोलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ इसका बैलेंसर। ये देखो बैलेंसर कितने अच्छे से पैक होके आता है, और साथ साथ आपको मिलता है इसमें स्क्रू किट, सारा कुछ मिला हुआ है। एक्स्ट्रा कोई बोल्ट लगाना नहीं है, कहीं ड्रिल नहीं करना है। तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देंगे गाइस, तो सारा आपको जितनी भी डाउट है ना सारा कुछ मैं क्लियर कर देंगे। तीसरा पार्ट हो गया इसका, मैंने अभी तक दो पार्ट आपको दिखा दिया, ये तीसरा पार्ट हो गया। अब जो इसका आता है सबसे मेन पार्ट जो इसको बोलते हैं, ये हो गया इसका मेन पार्ट। इसमें भी दो चीज़ मिलता है आपको देखने का, जो अभी आपको इसमें समझ नहीं आ रहा होगा, अभी ये खुलने के बाद मैं बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहो। ठीक है, देखो अभी सबसे पहले ये जो हैंगर जिसको बोलते हैं, इसको सबसे पहले ने इसको पहले खोल लेना है आपको। इसका कितना एलेंकी लगाना पड़ता है? चार नंबर एलेंकी पहले लगा के इसको अच्छे से खोल लो, और फिर इसमें एक बोल्ट दिया हुआ रहता है, तो सारा बोल्ट को पहले टाइट कर लेंगे एक एक करके। तो पहले इसको हम टाइट करके देखते हैं, और फटाफट टाइट करके इसको हम बताते हैं इसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा कि सबसे पहले आपको इसका हैंगर को खोलना है, बोल्ट को टाइट करना है, और इसको बाहर निकाल के अच्छे से लगा के टाइट कर लेना है। ठीक है, एलेंकी जो रहेगा जिसमें खुलने का साइज है वो 4 नंबर एलेंकी। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि अच्छे अच्छे इस वीडियोस में लाता रहो। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर। कौन सा एलेंकी खोले थे यहाँ पर? चार नंबर यहाँ भी एलेंकी लगा होता है, और ऊपर भी 4 नंबर लगा था। सब जगह 4 नंबर ही लगा रहता है? यहाँ दो नंबर लगेगा, वहाँ 4 नंबर। इसका जो बोल्ट है वो अलग से लगाया है, उसके साथ में था? उसके साथ सब साथ में मिलेगा गाइस, तो आप प्रॉपर देखते जाओ। अभी उस साइड में आपको ले चलता हूँ एक बारी, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये इसका एलेंकी जो है ना, ये देखो ये 4 नंबर एलेंकी, सॉरी 2 नंबर हो गया, और ये जो है ना बड़ा वाला एलेंकी गाइस ये हो गया 4 नंबर। तो यहाँ सारा एलेंकी टूल्स है। अभी यहाँ से खोल के स्क्रू सिस्टम में टाइट कर दे रहा है। देखिए ऊपर स्क्रू लगेगा, नीचे बोल्ट लगेगा, ये 10 नंबर, ये 8 नंबर। इसके माध्यम से नट बोल्ट के मैं साइज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाय द वे अगर आपको खो गया तो यहाँ तक 13 नंबर आपका एक बोल्ट लगेगा, और यहाँ 10 नंबर लगेगा। सो सारा सेटअप होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगेगा। अभी धीरे धीरे करके भैया पहले टाइट कर लेते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, एक और चीज़ आ चुका है, ये रहा एलेंकी सिस्टम और ये रहा इसका ये जो बैलेंसर बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से भी टाइट होने वाला। कितना नंबर एलेंकी लगने वाला बाबू?
ये 8 नंबर एलंकी है, ये 8 नंबर एलंकी लग रहा है गाइस, सबसे बड़ा एलंकी है फिलहाल। इतनी टूल्स की आपको जरूरत पड़ेगी मेरे ख्याल से आगे बॉडी को टाइट करना है तो। ये देखो फटाफट टाइट हो रहा है, ये देखो बहुत इजीली टाइट हो जाता है, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अगर कोई तरह का प्रॉब्लम है तो मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम में, कोई तरह का प्रॉब्लम है तो। ये देखो मैट है, अब इसको लगा भी सकते हो, टाइट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। आगे का पूरा कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉलमेंट, अब हम चल रहे पीछे की तरफ। और पीछे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जस्ट इसका सीट को पहले हमने खोल दिया और 10 नंबर का 2 बोल्ट लगाया, और ये 2 एक्स्ट्रा जो हेडेंस आते हैं ना ये एसेसरीज के अंदर ही आपको दिख जाएंगे, जब खुलेगा रैप तो आपको दिख जाएगा। तो ये दोनों को पहले इंस्टॉल कर लो अच्छे से, ठीक है। इसको लगाने के बाद आपको लगाना ये बड़ा वाला, तो पहले इसका रैप वगैरह खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये रैप वगैरह मैं खोल के दिखाता हूँ, उसके बाद ये पूरा का पूरा सेटअप हो जाएगा। ये भी बोल्ट से दोनों तरफ टाइट हो रहा है, ये तो पहला था और ये दूसरा पहले से टाइट ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ तक आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। अभी देखो इसमें जाते हैं अपन देखेंगे इसको लेडी फुटर्स को, इसको कैसे इंस्टॉलमेंट करना है। इंस्टॉलमेंट में कुछ नहीं करना, नॉर्मल से लेडी फुटर्स का इसका जो 2 बोल्ट होता है उसको एलंकी को निकाल लेना है और इसको अंदर की तरफ करना है। बहुत लोगों का आता है ये बाहर से करा लेते हैं, बाद में बोलते हैं फुटर्स बंद नहीं हो रहा, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पहले इसको खोल लीजिए और ये दोनों बोल्ट को निकाल के पहले इसको अंदर डालिए, उसके बाद ये फुटर्स को लगाइए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो ये जो पहले ना ये अंदर जाएगा, फिर ये फुटर्स जाएगा, फिर दोनों बोल्ट जाएगा और इजीली टाइट हो जाएगा। ये टाइट होने के बाद देखना कितना बढ़िया फिटिंग आएगा और ब्लैक में ब्लैक खिलेगा, ठीक है। हालांकि भैया को सिल्वर चाहिए और सिल्वर अवेलेबल भी नहीं है, तो सिल्वर से ज़्यादा बेस्ट ब्लैक होता है, ठीक है। बाकी आपका क्या राय है आप मुझे? थोड़ा रात हो गया तो मे भी आपको देखने में प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए सॉरी। अब फिलहाल हम बात करते हैं इसकी फुटर्स की। देखो ये फुटर्स प्रॉपर यहाँ से लग रहा है, ये खुल रहा है, ठीक है। अब बैक साइड वापस आ जाते हैं जो मैंने आपको बताया था, तो ये बैक साइड ही मैंने आ गया। ये देखो ये पहले गार्ड आपने लगा दिया, तो ये पहले अपन गार्ड लगा लिए, उसके बाद ये फुटर्स लगा, उसके साथ 2 बोल्ट लगा और ये फुटर्स प्रॉपर काम कर रहा है, ये देखो, ठीक है। अब मैं एक बार टॉर्च ऑन करता हूँ, देखो ये फ्लश ऑन हो गया, तो अब आपको अच्छे से पता चलेगा ये गार्ड लग गया, यहाँ से 2 बोल्ट लग गया और ये अति हो गया, ये सारा कुछ बेस्ट हो गया। अब ये इसको भी फोल्डिंग कर लेते हैं। अब इसके बाद आप चलो पीछे की तरफ, पीछे साइड देख सकते हैं, पीछे प्रॉपर काम हो गया। अब यहाँ बोल्ट वगैरह हमने लगवा दिया सेटअप पूरा, अब यहाँ से देख सकते हो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। मे भी कभी अगर धक्का उक्का लग जाता तो मे भी ख़राब नहीं होनी चाहिए गार्ड, गार्ड से प्रोटेक्शन फुल मिलने वाला है। अभी यहाँ से देखो ये 2 क्लैंप रखते हैं, यहाँ से अगर हम खोल के देखेंगे तो ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ वापस आते हैं, ये फुटर्स भी देखो प्रॉपर काम कर रहा है। अब ओवरऑल लुक देखो कैसी लग रही है गार्ड लगने के बाद, और मेरे को अपना प्यारा सा कमेंट देना। बाकी अगर आए कोई भी तरह का डाउट हो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, वहाँ मैं आपको सारा डाउट क्लियर करूँगा। ये देखो दोनों बैलेंसर लग के रेडी हो चुका है, प्रॉपर लग गया है, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।